आपका उचित तरीका नहीं है। कन्या नारे के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में, आपको गरीब वंचित आदिवासी दलित लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सदन में भेजा है। आपका यह तरीका गलत है। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ हैं, कभी भी सभा पटल पर रखे जाने वाले प्रश्नों के समय रेल पे नहीं आते, नारेबाजी नहीं करते। क्यों आप संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं? क्यों आप खुद मर्यादा गिरा रहे हैं? आपको जनता ने चुनकर भेजा अपनी बात को रखने के लिए, आप संसदीय मर्यादाओं को गिरा रहे हैं, उचित नहीं है, गलत बात आपकी। लोकसभा एंड राज्यसभा जो पार्लियामेंट का दो हाउस है, यहाँ पे मॉनसून सेशन में इस बार बहुत डिस्ट्रप्शन करते हुए एमपीज के द्वारा देखा गया, जहाँ अपोजिशन एमपीज अपने आप को खो दिया और यहाँ पे सरकार के विरुद्ध नाराबाजी लगाते हुए देखा गया। एक तरफ लोकसभा में जहाँ पे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल और पेगासस के लेके वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ, और यहाँ पे राज्यसभा में देखे जाएंगे तो वहाँ पे फार्म बिल्स को लेके काफी प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ पे बहुत सारा हंगामा भी देखने को मिला। तो यही डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे मॉनसून को दो दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। तो यहाँ दिख सकता है कि किस तरह का एमपीज यहाँ पे हम लोग चुना जाता है और वहाँ पे कैसे राज्य सरकार के द्वारा भी एमपीज इलेक्ट करते हैं फॉर राज्यसभा, जो पार्लियामेंट का मर्यादा बोल के ऐसा हरकत करते हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट देखने के बाद यहाँ पे लगता है कि ये लोग जनता का बात करने के लिए नहीं, यहाँ पे एक देश को बदनाम करने के लिए और देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि देश अब किस तरफ में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की वीडियो में ऐसा ही इंसिडेंट जो पार्लियामेंट में होता है उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्राइटेरियाज होते हैं जो एमपीज फुलफिल करना होता है, वो सारा चीज देखेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब से कांग्रेस एमपी प्रताप सिंह बजवा बताते हैं कि उनको कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है और वो जो भी एक्शन लेने के लिए रेडी है, जो पार्लियामेंट में जो उसने हरकत की गई जहां फार्म बिल का अगेंस्ट में वॉइस रेस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर में। ये इंसिडेंट यही क्यूज देखा है जहां मॉनसून सेशन राज्यसभा में बेंच पर चढ़कर फाइल्स भी फेंक दिया गया है जब कृषि कानून के ऊपर में चर्चा चल रहा था। आम आदमी पार्टी का सांसद संजय सिंह भी मोर्चा को लीड करते हुए दोपहर के बाद यहाँ पे रिपोर्टर्स के बेंच पे खड़े यहाँ पे नाराबाजी शुरू की गई। तो ये सिर्फ चीज नहीं था, यहाँ लोकसभा की तरफ में भी देखा जाएंगे तो बहुत यहाँ पे अपोजिशन पार्टी इंश्योरेंस बिल और यहाँ ओबीसी बिल को लेकर यहाँ पे बहुत हंगामा हुआ। तो यहाँ पे यही मिसकंडक्ट और मिसबिहेव की वजह से यहाँ पे जो डिस्ट्रप्शन हुआ मॉनसून सेशन में, उसकी वजह से यहाँ मॉनसून सेशन को दो दिन पहले क्लोज कर दिया गया। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा राज्यसभा चेयरपर्सन को एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करके हाउस प्रेसिडेंट के ऊपर में इन्वेस्टिगेट करके कड़ा से कड़ा एक्शन देने का बात किया गया है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का एमपी का क्राइटेरिया देखेंगे तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा है आपका हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नॉमिनेट करते हैं, जहाँ प्रेजेंट स्ट्रेंथ है आपका 245। एक एमपी का टर्म 6 ईयर है और आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द एमपी रिटायर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर लोकसभा का बात करेंगे तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्शन के बेसिस में चूज करते हैं, जहाँ मैक्सिमम हाउस स्ट्रेंथ रहेगा 552। तो ये दोनों हाउस में अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे एमपीज के लिए। तो अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का बात करेंगे तो यहाँ हर एक एमपी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड लेके बैठा है आज के डेट में जो लॉ मेकर्स है इंडिया का। तो अगर देश का लॉ बनाने वाला ऐसा है तो देश का सिचुएशन क्या होगा, ये सब तो आप लोग जानते ही है। तो यहाँ पे एमपीज के लिए जो हाउस रिप्रेजेंट करेगा तो वो लोग के लिए क्लीन चिट क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर क्राइटेरिया बनाना है तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया बनाना चाहिए अगर देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो देश में अब एमपीज के लिए भी इस तरह का जो मिसकंडक्ट है मिसबिहेव है उसके लिए एक लॉ होना जरूरी है, पर एप्लीकेबल भी होना चाहिए क्योंकि वो लोग लॉ मेकर्स है, और लॉ मेकर्स भी ऐसा हो जाएगा तो देश का क्या हालत होगा, ये सब तो आप लोग भी जानते हैं और देख भी रहे कैसा बन रहा है आज के देश। ऐसा नहीं कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पे एक्सपल्शन और सस्पेंशन नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारा हुआ, ये सारा हाउस में एक्सपल्शन भी हुआ सस्पेंशन भी हुआ। प्लस यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रखना चाहिए क्योंकि छोटा सा छोटा पोस्ट लाइक पियोन्स क्लर्क ये सारा चीज के लिए यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे जो लॉ बनाते हैं जो लॉ मेकर्स होता है देश का, तो वो लोग
का भी एक मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है ताकि ऐसा लॉ मेकर्स आना चाहिए कि देश को बदल सके, देश का इकोनॉमी को ऊपर देख सके और यहाँ पे देश का प्रगति का ऊपर सोच सके। तो आप इंडिया में इलेक्शंस लड़ने के लिए भी एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाना चाहिए। तो अगर चाइना का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियन जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री लेके वहाँ पे बैठा हुआ है, और अदर एशियन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, ताइवान एंड मलेशिया जैसा देश में भी यहाँ पे हर एक पॉलिटिशियन एक वेल क्वालिफाइड होते हैं। और यहाँ पे दुनिया का सबसे पावरफुल देश लाइक यूएसए, रशिया में भी वेल एजुकेटेड प्रेसिडेंट और उसका पॉलिटिशियन वेल क्वालिफाइड होता है। और बड़ी चीज है यहाँ पे टोटल रनिंग कॉस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो एक सेशन में जो रनिंग कॉस्ट होता है उसकी डिस्ट्रप्शन की वजह से भी यहाँ पे काफी लॉसेस होता है देश के लिए। हर एक एमपीज को एक सेशन चलाने के लिए एक दिन का जो टर्ली अलाउंस है वो है आपका 2000, जिसमें ओवरऑल एमपीज का पर डे का अगर अलाउंस बात करेंगे इट वुड बी मोर देन 15.4 लाख पर डे। तो अगर यहाँ पे पर मिनट के हिसाब करेंगे तो पर मिनट 2.5 लाख यहाँ पे एमपीज के ऊपर में खर्च होता है, और आवरली करेंगे तो इट वुड बी मोर देन 1.5 करोड़, और ओवरऑल सेशंस का बात करेंगे तो यहाँ पे मोर देन 300 करोड़ इन्वेस्ट होता है ये सेशन में, जो एक लार्ज अमाउंट खर्च हो जाता है जहाँ पे ये डिस्ट्रप्शन की वजह से यहाँ पे ठीक से काम भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का एक फेवरेबल टूल बन गया है ये एक पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन। तो यहाँ पे एजुकेशन से लेके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड डिस्ट्रप्शन कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट को लेके भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लॉज लाना चाहिए ताकि ऐसा डिस्ट्रप्शन ना हो ये पार्लियामेंट सेशन में। तो ये सारा चीज में आपको क्या कहना है, आपका ओपिनियन रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।